नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम TPL प्लास्टेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर लोअर सर्किट देखने को मिला है और इसके अंदर काफ़ी सारे लोग आज ट्रैप हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या इस स्टॉक को हमें पैनिक में अब सेल करके निकल जाना चाहिए। जो इतने दिनों से एक तेज़ी दिखा रहा था, क्या वो तेज़ी ख़त्म हो चुकी है? क्या हम ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो चुके हैं? क्या हमें एग्ज़िट कर देना चाहिए या फिर एक मौका है नीचे की तरफ इस स्टॉक को ख़रीदने का? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब आप दो चीज़ें करेंगे। पहला, इसका फंडामेंटल देखेंगे और दूसरा, इसका टेक्निकल देखेंगे। और दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करके आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आइए समझते हैं पहले इसके फंडामेंटल को। दोस्तों, अगर इस स्टॉक की हम बात करें कंसोलिडेशन बेसिस पे, हम इसका पैटर्न फंडामेंटल का जो है वो देखेंगे। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। देखिए, 192 करोड़ था, 226 करोड़, 216, 170 नीचे का ट्रेंड चला एंड आफ्टर दैट 2024 में 312 आ गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी जैसे जैसे रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ग्रो हो रहा है। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि कर्जे की अगर बात करें तो यहाँ पर कर्जा कंपनी ख़त्म करती जा रही है। ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव यहाँ पर हमारे लिए संकेत है। तो यानी कि हमने ये देखा, कंपनी एक अच्छा रेवेन्यू बना रही है, कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है, अब कंपनी कर्जा भी ख़त्म कर रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ठीक है, ये तो हो गई किताबी बातें, दिखाया जा रहा है, क्या वाकई में ये प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? तो वो हमें पता चलेगा कैश फ्लो से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर आप इसका कैश फ्लो देखते हो, इंक्रीज होते हुए नॉर्मल रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है, प्लस में है। यानी कि जितना प्रॉफिट है उसके इर्द गिर्द ही इसका हमें कैश फ्लो भी देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हम लोग इसकी होल्डिंग देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग नियर अराउंड 74% से ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है। FIs की बात करें, दोस्तों FI होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जून में थोड़ा सा इन्होंने बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। DIs की बात करें तो DIs भी थोड़े से ही इसके अंदर हैं, ज़्यादा नहीं है। बात करें लास्ट में पब्लिक की, तो पब्लिक के पास भी ज़्यादा माल नहीं है, लेकिन पब्लिक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, एक बार ध्यान रखना। देखिए, सारा माल प्रमोटर के पास है, यानी कि ओनर के पास है। आप अगर ये बोलते हैं FIs DIs माल लेके बैठे हैं, तो वो नहीं लेकर बैठे हैं, लेकिन उनकी रडार पे कहीं ना कहीं ये स्टॉक ज़रूर आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जी हाँ, एक म्यूचुअल फंड है जो इसको लेकर बैठा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं हाँ, पैसा इसमें कंपनी के ओनर का ही लगा हुआ है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ठीक ठाक होल्डिंग है, लेकिन हम ये कहेंगे कि भैया प्रमोटर है, वो चाहे तो तब तक गिरा भी सकता है जब तक उसकी मर्जी है, बढ़ा भी सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी चलाने वाली इसको नहीं है। इसके अलावा अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो दोस्तों, बैलेंस शीट इक्विटी शेयर कैपिटल 1560 करोड़ की है। रिजर्व देखिए इंक्रीज होता हुआ आ रहा है यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कंपनी अपने रिजर्व को बढ़ाती जा रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे कम हुई है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। शॉर्ट टर्म बोरिंग को भी कम किया गया है। ट्रेड पेएबल यानी कि 56.637 जो करोड़ है, इन्होंने आगे पेमेंट करनी है, बिजनेस वगैरह कर लिया है। इसके अलावा इनके एसेट्स क्वालिटी की बात करते हैं तो इन्वेंट्री 69 करोड़ की है, आने वाला पैसा 54 करोड़ का है, इसके अलावा भी कैश एंड इक्विवेलेंट 5 करोड़ की है। तो बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कंपनी कैश रिच जरूर है, अच्छा खासा कैश मेंटेन करती है। तो अभी तक जो हमने सारा फंडामेंटल देखा, हमने ये देखा हाँ, बड़े प्लेयर इसमें हैं, बट इसका ओनर ही सारी होल्डिंग लेके बैठा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि रेवेन्यू कंपनी बना रही है, उसको प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर पा रही है और प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है। तो यानी कि कंपनी बिजनेस तो कर रही है, अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, आने वाले में टाइम में अगर और नंबर अच्छे पोस्ट करती है तो बहुत अच्छा कर सकता है ये स्टॉक, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि फंडामेंटली इस स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की तरफ मिले तो एवरेज करनी चाहिए। अब बात आती है एवरेज की। देखिए, एवरेज के लिए इसमें सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है, ये बात ध्यान रखना।
देखिए करंट सिनेरियो के हिसाब से इसमें अगर किसी को एवरेज करनी ही है तो 93 से 89 के लेवल पे अगर ये मिलता है तो एवरेज करनी चाहिए। अगर ऊपर के लेवल पे अभी आप ट्रैप हो चुके हैं तो क्या एग्जिट कर देना चाहिए। देखिए फंडामेंटली मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जो कि अच्छी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी ये थ्री स्टेप कैंडल बनी हुई है तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ 120 115 के करीब जाने की कोशिश करके रिवर्स कर सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन आपको यहाँ एंट्री नहीं करनी है क्योंकि इसका अच्छा पॉइंट 93 से 89 का है, उसके बाद 68 का है, उसके बाद अगर आप नीचे और एवरेज करना चाहते हैं 42 16 रुपये के, लेकिन इतनी दूर तक जाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन स्टॉक है ऐसा देखा गया है, बड़ी बार नीचे की तरफ भी स्टॉक्स आते हैं और फिर कुछ समय के बाद चलना शुरू होते हैं। अभी आप इसमें बोले कोई ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ ब्रेकआउट तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लेवल पे कहीं ना कहीं इसने ब्रेकआउट ज़रूर दिया 106 के, लेकिन अभी ये अभी जो कैंडल बनी हुई है ये ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। आप बोले फेल हो गया, ऐसा नहीं है, रीटेस्ट करने के लिए हो सकता है 93.89 के पास आए और वहाँ से आप लोगों को ऊपर की तरफ रैली देखने को मिले। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, तो जब भी इन फ्यूचर अगर आपको ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास मिले वीकली तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि स्टॉक में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ एवरेज करनी है। फ्रेश एंट्री अब ये अवॉइड करिए, नीचे की तरफ 110 112 के पास मिले तो कुछ 10% या 15% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी वेट करिए 93 से 89 के पास मिले तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए, क्योंकि आपकी 20 पीरियड मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए क्योंकि रिस्क आप सबका